हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेश। आज आपको सेल्फ स्टार्टर मोटर के बारे में बताऊंगा। तो ये गाड़ी 4 स्ट्रोक गाड़ी है। इसका सेल्फ बराबर नहीं लगता है, कभी कभी लगता है, कभी कभी नहीं लगता है, ऐसा प्रॉब्लम इसमें आता है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको भी दिखाता हूँ। ठीक है, चलो सेल्फ मारो, ज़रा मारो सेल्फ। बंद करके दोबारा मारो। बंद करके दोबारा मारो। बंद करके दोबारा मारो। चाबी बंद। बस बस बस, फिर से चाबी ऑफ करके फिर से मारो सेल्फ। ठीक है ठीक है, ओके। देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, आवाज़ तो आप सुने रहेंगे, तो आपके गाड़ी में भी ऐसे ही सेम प्रॉब्लम होता रहेगा। तो आप जल्दी से जल्दी स्टार्टर खुला लो। ठीक है, स्टार्टर मोटर खुला के उसको रिपेयर करा लो, और नहीं तो स्टार्टर मोटर का ज़्यादा खर्चा बढ़ सकता है, जैसे गियर ख़राब हो सकता है, आपको गियर भी डालना पड़ जाएगा। ठीक है, तो मेंटेनेंस खर्चा बचाने के लिए जल्दी से काम करा के ले लो, आपके गाड़ी में ऐसा सेम प्रॉब्लम होता रहेगा तो। ठीक है, तो अभी बात करते हैं स्टार्टर मोटर का क्या करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं इसको स्टार्टर मोटर खोलने। ठीक है, तो स्टार्टर मोटर खोलने के लिए यहाँ पे एलंकी वाला बोल्ट है, दो, एक ऊपर रहता है एक नीचे रहता है, और ये 10 नंबर का ये वायरिंग का नट है यहाँ पे, और यहाँ पे कूलर पाइप का बोल्ट है। ठीक है, ये खोल के लेते हैं, और उसके नीचे साइड में यहाँ पे 13 नंबर का बोल्ट है, खोल के स्टार्टर मोटर निकालते हैं। ठीक है, तो मैं फटाफट ये सब खोल के लेता हूँ। ठीक है, तो आगे दिखाता हूँ। ठीक है, कैसा इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये खोल दिया वो सेल्फ स्टार्टर मोटर। यहाँ का इसका पट्टी नहीं था। ठीक है, मैं वीडियो में बताया था यहाँ पे 13 नंबर का बोर्ड लगता है नीचे साइड में। ठीक है, तो यहाँ का पट्टी नहीं था, ये ऐसे ही लगता है किसने फिट कर दिया था, तो अभी तो अपने पास भी नहीं है, अपन भी ऐसे ही फिट करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अभी स्टार्टर खोलने जा रहे हैं। ठीक है, हेलो दोस्तों, अभी फटाफट स्टार्टर मोटर खोलेंगे। ठीक है, तो 8 नंबर का यहाँ पे बोल्ट रहता है, वो यहाँ पे 2 और 2 आगे की तरफ, ये खोल के लेते हैं। उसके बाद ये है आर्मीचर का, ठीक है, कवर का 2 बोल्ट है, ये खोलेंगे। ठीक है, तो ये मैं फटाफट खोल के लेता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये बैंडेक्स है। ठीक है, और बैंडेक्स बराबर वर्क कर रहा है, इसका थोड़ा स्प्रिंग में प्रॉब्लम लग रहा है। ठीक है, तो मेरा वीडियो है बैंडेक्स कैसे रिपेयर करते हैं, वो वीडियो जाके चेक कर लेना मेरे चैनल पर। ठीक है,
तो वीडियो रहेगा तो वैसे रिपेयर कर सकते हैं बैंडेक्स को। बैंडेक्स में प्रॉब्लम रहेगा तो स्पिंग वाटी खराब हुआ रहेगा तो ठीक है, ये मैं साइड में रखता हूँ ठीक है। बैंडेक्स अभी ये मोटर खोलते हैं ठीक है, ये मोटर खोल के लेते हैं। ये देखो दोस्तों, इसका कार्बन पूरा एकदम खराब हो चुका है, इसमें जरा भी बचा नहीं है कार्बन ठीक है। ये देखो एकदम बारीक सा हो गया ठीक है, तो ये इसका कार्बन बदली करना पड़ेगा। और ये देखो इसका आर्मिचर ठीक है, तो ये आर्मिचर इसका खराब हो चुका है, ये देखो कट गया ठीक है। और आपके पास बजट नहीं रहेगा तो इसको साफ करके नया कार्बन डाल के चला सकते हो, उससे थोड़ा कार्बन का लाइफ कम रहेगा ठीक है। दोस्तों आपके गाड़ी में प्रॉब्लम आता रहेगा तो जल्दी स्टार्टर का काम करके ले लो, नहीं तो ये गियर भी ख़राब हो सकता है। मोटर स्लो होने के वजह से गियर जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इससे पहले आप मोटर खोल के उसको रिपेयर करा लो, उसका आर्मिचर और कार्बन ठीक है। तो सेम ऐसा प्रॉब्लम आपके गाड़ी में होता रहेगा तो ठीक है, और ज़्यादा आवाज़ करता रहेगा तो गियर का, तो समझ जाना गियर आपका पूरा ख़राब हो चुका है ठीक है। तो मेंटेनेंस खर्चा बढ़ सकता है आपके गाड़ी में। तो अभी बहुत रात हो चुका है, इसके वजह से मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ इसका ठीक है, क्योंकि अभी सामान लाना पड़ेगा तो रात हो जाएगा तो वीडियो अच्छा नहीं निकलेगा इसके वजह से ठीक है। तो अभी ये सब फिटिंग करने के बाद ही आपको दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं बैंडेक्स का आर्मिचर मोटर का कैसे रिपेयर करते हैं उसका दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ठीक है, उसमें आप देख लेना वीडियो तब रिपेयर करना ठीक है। ये देखो दोस्तों, अच्छे से इसको फिटिंग कर दिया स्टार्टर मोटर ठीक है। अभी सेल्फ मार के दिखाएंगे आपको सेल्फ पे कैसे स्टार्ट हो रहा है। चलो स्टार्ट करो सेल पे, हाँ स्टार्ट करो। बंद करके दोबारा सेल्फ मारो, बंद करके दोबारा सेल्फ मारो, बंद करके दोबारा सेल्फ मारो, बस बंद कर दो ठीक है। ऐसे रिपेयर करना है, इसका आर्मिचर वही रखा हूँ और बैंडेक्स रिपेयर किया हूँ और कार्बन प्लेट डाला हूँ ठीक है। और जो इसका गियर है ना, गियर में थोड़ा एक दाता मार खाया है, उसके वजह थोड़ा सा साउंड करता है, लेकिन सेल्फ हरदम लेते रहते हैं अच्छे से ठीक है। तो इस तरह रिपेयर करना है। और दोस्तों बहुत रात हो चुका है, क्योंकि मैं वीडियो दिखा नहीं सका, क्योंकि मैं अभी डिस्क्रिप्शन के इसमें लिंक दिया हूँ ठीक है वीडियो का, जो स्टार्टर रिपेयर कैसे करते हैं स्टार्टर और बैंडेक्स कैसे रिपेयर करते हैं उसका वीडियो दिया हूँ ठीक है। क्योंकि गाड़ी भी बहुत आ रहा है जा रहा है, उसका भी आवाज़ आ रहा है, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना, जिससे और लोग को पता चले स्टार्टर का क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे होता है, वो सब उनको पता चलना चाहिए और सबको ठीक है। तो आपके गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम होता रहेगा तो उसको रिपेयर करा लो ठीक है, और ज़्यादा टाइम तक उसको नहीं चलाना है, क्योंकि आगे जाके मेंटेनेंस खर्चा बढ़ जाता है ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद ठीक है।